बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिजिक्स। सो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर टू वेक्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। चैप्टर टू के एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन से पहले हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया था चैप्टर टू के लिए, जिसमें हमने चैप्टर टू के जो टॉपिक थे दिस वन, इस सारों का थोड़ा सा क्विक रिव्यू किया था। अब उसी क्विक रिव्यू के बेस पर हम एमसीक्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन एमसीक्यू सीरीज ऑफ फिजिक्स। सो लेट, हमारे पास एक एमसीक्यूज है 2.1। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, टू इक्वल वेक्टर्स हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ द टू, द एंगल बिटवीन देम इज व्हाट। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास लेट सपोज कोई भी दो वेक्टर है, एक है पी और एक है हमारे पास वेक्टर क्यू। अब इस दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मिसाल के तौर पर इसकी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और इसकी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, या इसकी जो मैग्नीट्यूड है लेट सपोज हमारे पास है 5 मीटर और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास है 5 मीटर। अब क्वेश्चन में कहता है कि इस दोनों वेक्टर को हम किस तरह ऐड करें कि इसका जो रिजल्ट बनता हो आर, उसकी भी मैग्नीट्यूड हमारे पास या तो 10 न्यूटन हो और या उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, 5 न्यूटन हो, 5 मीटर हो। तो इस दोनों वेक्टर पी और क्यू के दरमियान कौन सा एंगल रख दे कि जो रिजल्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड या तो पी के बराबर होता है या क्यू या दोनों के बराबर होता है। सो इस तरह के एमसीक्यू जो है हम लॉ को साइंस से सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वेशन है वो है आर स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। जब भी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और उसके दरमियान एंगल मालूम हो तो उसका रिजल्ट जो है हम इस इक्वेशन से मालूम करेंगे, या हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और उसका रिजल्ट भी मालूम हो लेकिन एंगल मालूम ना हो तो उसका जो एंगल जो है उस दो वेक्टर के दरमियान उसको हम इस इक्वेशन से ट्राई करेंगे। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में यूज़ होता है। इस इक्वेशन को कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन और सिंपली इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ पैरेललोग्राम। सो लेट, जिस तरह के क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास जो आर है रिजल्ट, उसकी मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर पी की मैग्नीट्यूड या इंडिविजुअल वेक्टर क्यू की मैग्नीट्यूड के बराबर है। सो इन तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसको हमने एज्यूम किया कि दिस इज इक्वल टू आर। सो ऊपर इक्वेशन में पी क्यू की जगह आर को रिप्लेस करें सो वी ऑब्टेन आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर कॉस थीटा। अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर कॉस थीटा। इफ वी डिवाइड बोथ साइड बाय आर स्क्वायर वी ऑब्टेन कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एंड बाई कैलकुलेटिंग थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू एंड कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 120। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो और हम उन वेक्टरों को 120 एंगल से ड्रा करें तो उसका जो रिजल्ट बनता है उसकी मैग्नीट्यूड भी गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। जिस तरह कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेट सपोज हमारे पास है वेक्टर पी, ये हमारे पास है वेक्टर क्यू और इसका जो रिजल्ट है वो है ये हमारे पास है आर। अब इस पी और क्यू के दरमियान जो एंगल है वो ऑलमोस्ट हमारे पास 120 डिग्री है। सो व्हेन वी ड्रा टू वेक्टर विद एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर आर सेम, देन द रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू आइदर ऑफ देम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एमसीक्यूज 2.2, द स्क्वेयर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस पी एंड क्यू इज 3 टाइम देयर प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन द फोर्सेस विल बी व्हाट, 5 डिग्री और पाई रेडियन, 5 बाई 2 रेडियन और 90 डिग्री, 5 बाई 4 रेडियन और 5 बाई 3 रेडियन। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, एक है पी और एक है क्यों, अगर इस दोनों का हम प्रोडक्ट ले रहे और इस प्रोडक्ट को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट बनता है वो है आर स्क्वेयर। सो दिस आर स्क्वेयर
is equal to the product of 3 times P and Q. So what will be the angle between P and Q if we multiply this PQ with 3 and this 3PQ equal to R square. So हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है पी क्यों, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका जो रिजल्ट है वो है हमारे पास आर स्क्वायर। अब हमें मालूम करना है कि पी और क्यू के दरमियान एंगल क्या होगी, तो सिंपल आर स्क्वायर इक्वल टू 3PQ जो गिवन कंडीशन है, और क्वेश्चन में कहता है कि जो पी क्यों है इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इस जगह पर हम क्यों की जगह को पी पुट करेंगे। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 3P स्क्वायर एंड देन यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो आर की जगह हम 3P स्क्वायर रख लेंगे, पी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और क्यू की जगह हम पी को रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि क्यू और पी की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। सिमिलरली दिस क्यू इज रिप्लेस बाई पी, सो वी हैव टेन 3P स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos थीटा, or by simplifying this we obtain p square equal to 2p square cos theta or cos theta equal to 1/2, or by solving this we obtain theta equal to 60 degree or 60 degree equal to π/3 radian. So the correct option is option D. Next question is question 2.3. Three equal vectors satisfy the relation a dot b equal to 0 and a dot c equal to 0. Then A is parallel to what? C vector, B vector, B cross C vector or B dot C vector. इसको हम आसानी से इस तरह कर सकते हैं, लेट सपोज हमारे पास कोई भी 3 वेक्टर है A, B एंड C. लेट सपोज A इक्वल टू I, B इक्वल टू J एंड C इक्वल टू K. सो वी नो दैट A dot B इक्वल टू 0 एंड A dot C also इक्वल टू 0. करेक्ट? सो नाउ मल्टीप्लाई बी एंड सी, अगर हम बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले, सो वी ऑब्टेन जे क्रॉस के इक्वल टू आई, दिस आई इज नथिंग बट वेक्टर ए। सो इट मींस इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर आर सेम, ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इक्वल टू 0, दिस ए वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द प्लेन बी क्रॉस सी। अब अगर इस ए वेक्टर को हम देखें तो ये सी के पैरेलल नहीं है क्योंकि ए आई है और सी हमारे पास है के। ए वेक्टर जो है वो आई के बराबर है और बी बराबर है जे के, इसके पैरेलल नहीं है, लेकिन बी क्रॉस सी का जो रिजल्टेंट बनता है वो बनता है आई, एंड दिस आई इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर ए। सिमिलरली बी डॉट सी, दिस इज नॉट ए रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी, बी डॉट सी इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0. So this vector A must be parallel to the plane B cross C. So the correct option is option C. MCQ number 2.4. If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of the two vectors, the angle between these two vectors will be what? 90 degree, 45 degree, 180 degree, 0 degree. Question mein kehta hai ki hamare paas कोई भी दो वेक्टर हो ए और बी, उसको अगर हम ऐड करें तो ऐड से जो रिजल्ट बनता है और उसको पहले एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें, उसका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बनता है वो इक्वल होता है, तो उस दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल कौन सा रख दे कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। याद रखिए कि ये कंडीशन जो है ये अलजबरा में ट्रू नहीं है, क्योंकि अलजबरा में हम इस तरह कभी भी नहीं रह सकते कि 3+4 इक्वल टू 3-4, दिस इज रॉन्ग। लेकिन याद रखिए के वेक्टर में दो वेक्टर को ऐड करें और फिर उन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, लेकिन कौन से एंगल पर, सिर्फ और सिर्फ अगर इस दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल 90 हो। इसको हम इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये वेक्टर है ए और ये हमारे पास है वेक्टर बी, इस दोनों के दरमियान एंगल है 90 और इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास है ये वाला। अब अगर हम a माइनस बी मालूम करना चाहते हैं तो सिंपल इस b को हम रिवर्स डायरेक्शन में रखेंगे, दिस इज वेक्टर b एंड दिस इज वेक्टर a, सो हेड इज कनेक्ट टू द हेड एंड टेल इज कनेक्ट टू द टेल, सो द रिजल्टेंट वेक्टर इज r।
सो इन दिस केस अगर हम इस वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्ट है इसके लेंथ को देके और इस लेंथ को देके जो कि ए माइनस बी का रिजल्ट है तो ये दोनों इक्वल है। तो मतलब ये हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और इसके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, अगर इसको हम ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो इसके मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमसीक्यूज नंबर 2.5, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 1k एन यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज व्हाट? ए इक्वल टू 2/14 अंडर द रूट, बी इक्वल टू 3/14 अंडर द रूट, सी इक्वल टू 14 अंडर द रूट, डी नन ऑफ दीज। हमारे पास ये एक वेक्टर है ये वाला। अब क्वेश्चन में कहता है कि अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता हो तो वो एंगल क्या होगा? तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन है, जब भी हम एंगल मालूम करना चाहते हैं विद अलोंग एक्स एक्सिस सो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइड बाय रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये है, और अगर इस वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहें तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास है 14 अंडर द रूट। और क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो जाहिर बात है कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है 1 के, मींस ए एक्स इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा 1, एक्स इक्वल टू 1। सो द एंगल सबटेंडेड बाय दिस वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 1k विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इक्वल टू अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स की जगह हम 1 रखेंगे और ए की जगह 14 को रखेंगे, सो वी ऑब्टेन अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/14। सॉरी दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/14 अंडर द रूट, क्योंकि एक्स जो होता है वो आई के बराबर होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है। तो सिंपल हमारे पास रिलेशन क्या है, टू फाइंड आउट द एंगल सबटेंडेड विद एक्स एक्सिस कॉस इनवर्स ए एक्स मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू रखते सो वी ऑब्टेन ए इक्वल टू 1/14 अंडर द रूट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ ए इक्वल टू 6i प्लस 8j एंड बी इक्वल टू 3i प्लस 4j देन कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू व्हाट? तो है मालूम है कि हमारे पास कोसाइन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट में होता है, एज ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को हमने मालूम करना है। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज cos theta equal to a dot b divided by a magnitude b magnitude, a dot b equal to what? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें वी ऑब्टेन a dot b equal to 50 एंड magnitude ऑफ a, अगर इस वेक्टर a की हम magnitude मालूम करना चाहें इसका तो जाहिर बात है a magnitude equal to what? x square plus y square या 6 square plus 8 square equal to 10 और b का जो मैग्नीट्यूड है दिस वाला 3i प्लस 4j तो इसको हम इस तरह मालूम करेंगे b इक्वल टू व्हाट अंडर द रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5। सो अगर इस इक्वेशन में cos थीटा इक्वल टू a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड को मैं a डॉट b और a b की वैल्यू रख दे वी ऑब्टेन cos थीटा इक्वल टू 1। So the correct option is option A. Next MCQs है, if A dot B equal to A cross B, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो उसको हम डॉट प्रोडक्ट ले ले और फिर उसकी मैग्नीट्यूड ले ले और इस दोनों वेक्टर को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले ले और इसकी मैग्नीट्यूड ले ले तो दोनों इक्वल है, मीन्स दो वेक्टर है अगर उसको हम डॉट प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कर दे या क्रॉस प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कर दे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास सेम आता है। तो इस दोनों वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल कौन सा होना चाहिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? याद रखिए कि ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल एट ओनली सिंगल एंगल,
एंगल थीटा। सो देन द एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी विल बी व्हाट। सो हमें गिवन है कि ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट, ए क्रॉस बी जो है गिवन कंडीशन है, एंड ए डॉट बी इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा, एंड ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड। इधर हम एन को नहीं पुट करेंगे, नॉर्मल वेक्टर को पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड पाम है। सो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी साइन थीटा, अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और अगर इसको हम कॉस से डिवाइड करें उसको डिवाइड करें सो वन इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी ऑब्टेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो उसके वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें और फिर उसी वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और उसके दरमियान एंगल 45 हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मीन मैग्नीट्यूड रिमेन कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ ए इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड बी इक्वल टू 12i प्लस 5j देन प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए विल बी व्हाट। सो हमें मालूम है कि ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट, ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। इस बी कॉस थीटा को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग ए। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। अब इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले ले, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, सो वी ऑब्टेन 36 प्लस 20। और इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले ले, मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू व्हाट अंडर द रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5। सो बी का थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए, और बी का थीटा इक्वल टू 36 प्लस 20 डिवाइड बाय 5, और बी का थीटा इक्वल टू 56 बाय 5। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी पैरेलल टू ए और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यूज नंबर 2.9, और उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, एमसीक्यूज है 2.9 और उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स इफ इक्वल टू -3i प्लस 2j प्लस k एक्टिंग एट द पॉइंट r इक्वल टू 8i प्लस 2j प्लस 3k। इस दोनों वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है, टार्क मालूम करना है। हमें मालूम है टार्क इक्वल टू व्हाट, टार्क इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर और रेडियस वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। सो आर की जगह हम इसको पुट करेंगे और एफ की जगह हम इसको पुट करेंगे। अब अगर 8i मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -3i इक्वल टू 0, हमें मालूम है ये कंडीशन यूज करें दैट i क्रॉस i इक्वल टू 0, सिमिलरली j क्रॉस j इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0। ये वाले यूज करें और ये यूज करें आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। सिमिलरली जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, एंड के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, एंड आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे। इसको यूज करें और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, वी ऑब्टेन इन द एंड दैट आई क्रॉस इफ इक्वल टू -4i -17j प्लस 22k। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 2.10, इफ वी हैव टू वेक्टर ए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड द रिजल्टेंट इक्वल टू सी वेक्टर। हमारे पास ये कंडीशन है, हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी के, और दोनों को हम ऐड करें बाय हेड टू टेल रूल या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, तो इसका जो रिजल्ट बनता है वो हमारे पास बनता है वेक्टर सी। फिर कहता है करेगा इस वेक्टर ए का और बी और सी का हम मैग्नीट्यूड ले ले, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज रिजल्ट एंड वेक्टर सी एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी। सो दोनों वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो उसका जो रिजल्ट बनता है, और फिर उसकी मैग्नीट्यूड को ऐड करें अलजेब्रिकली, उसका जो मैग्नीट्यूड बनता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इन द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन ए एंड बी विल बी व्हाट, ए और बी के दरमियान हम कौन सा एंगल रखते कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। सो हमें मालूम है वेक्टर सी गिवन है सी इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। अगर इसी के हम मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को यूज करेंगे,
The magnitude of C equal to what? A square plus B square plus 2AB cos theta 1 by 2. This is the more general form of the Pythagoras theorem. 1 by 2 under the root, or C square equal to A square plus B square plus 2AB cos theta equal to 1. लेकिन हमें गिवन है कि हमारे पास जो वेक्टर C है वो A plus B के भी बराबर है. अगर इसका हम स्क्वायर ले लें बोथ साइड और उसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन C square equal to A square plus B square plus 2AB. तो हमारे पास C square की दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2. इस दोनों को कंपेयर करें C square equal to A square plus B square plus 2AB cos theta और C square equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन cos theta equal to 1 और theta equal to 1 और theta equal to 180 degree, not 180 degree नहीं बनता ही. A square कैसे बन जाएगी? A square भी 0 बनता है, 0 is 0. This A square and this A square cancel. This B square and this B square cancel. So we obtain 2AB equal to 2AB cos theta. And this 2AB and this 2AB cancel. नहीं, तो ये बनता है cos theta equal to 1. Cos theta equal to 1. So theta equal to 180 degree or theta equal to 0 degree. This is wrong. This is theta equal to 0 degree. So इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, इसको हम वेक्टोरियली ऐड करें या मैग्नीट्यूड लिहाज से ऐड करें और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा. इसको आसानी से इस तरह भी हम मालूम कर सकते हैं. लेट सपोज हमारे पास वेक्टर ए है इक्वल टू, लेट सपोज 4i एंड वेक्टर बी इक्वल टू सपोज 7i. सो ए प्लस बी अगर दोनों पैरेलल हो तो ये बन जाएगी 11i, करेक्ट. और इसकी जो मैग्नीट्यूड है 11i, ये बन जाएगी 11. सिमिलरली ए प्लस बी को देखें, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी. तो ए की मैग्नीट्यूड क्या है? हमारे पास 4 है, बी की हमारे पास 7 है और सी क्या हो जाएगी? 11. सो दिस 11 इक्वल टू 11. सो इसका मतलब ये है हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो वो पैरेलल हो, उसके दरमियान एंगल 0 हो, उसके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, तो उस दोनों वेक्टर को अगर हम वेक्टोरियली ऐड करें या अलजेब्रिकली ऐड करें तो उसका रिजल्ट सेम आएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.11. देयर आर एन कोप्लेनर वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड पी. ईच वेक्टर इज इनक्लाइंड टू द प्रीसीडिंग वेक्टर एट एंगल 2 पाई बाय एन. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एन नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर है. मिसाल के तौर पर ये वेक्टर ए है, लेट सपोज ये हमारे पास एक अदर वेक्टर है बी है, ये हमारे पास एक अदर वेक्टर है सपोज ये वाला, एंड सो ऑन. लेकिन याद रखिए कि ए वेक्टर और इस वेक्टर के दरमियान जो एंगल है, इस वेक्टर और इसके दरमियान जो एंगल है, इस तरह प्रीसीडिंग के साथ जो दूसरा वेक्टर बनता है उसके दरमियान जो एंगल है, मींस टू एडजेसेंट वेक्टर हैविंग सेम एंगल, करेक्ट. सो जाहिर बात है हमारे पास अगर एन नंबर ऑफ वेक्टर हो और एन नंबर वेक्टर के दरमियान एंगल हर एक पेयर के दरमियान सेम हो, तो फाइनली हम एक पॉलीगन या क्लोज पाथ को गेन करेंगे. तो हमें कहता है कि हमारे पास जो है 2π ओवर एन नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर है और हर दो कंसेक्यूटिव वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो जाहिर बात है ये फाइनली हमारे पास एक क्लोज पाथ बनेगी, ये वाला में चले जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और एंड में हम वापस अपनी इनिशियल पॉइंट को पहुंच जाएंगे. तो इसका मतलब है हमारे पास कोई भी एन नंबर कोप्लेनर वेक्टर हो और दो कंसेक्यूटिव वेक्टर के दरमियान एंगल सेम हो, हर दो कंसेक्यूटिव वेक्टर के दरमियान एंगल सेम हो, तो फाइनली ये जो एन नंबर ऑफ वेक्टर है ये हमारे पास एक क्लोज पॉलीगन या क्लोज पाथ को कवर करेगा. और हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी क्लोज पाथ हो तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो जीरो होता है. आर दिस कैन बी स्टेट एज सिंस ईच पेयर ऑफ वेक्टर हैव सेम एंगल थीटा इक्वल टू 2π ओवर एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ वेक्टर एंड एन वेक्टर मेक क्लोज पाथ, सो रिजल्टेंट विल बी जीरो बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम. आसानी के खातर हम मिसाल के तौर पर इन की जगह हम 3 रख देंगे, इन की जगह हम यहाँ पर इन की जगह 3 रखेंगे, सो वी ऑब्टेन थीटा इक्वल टू 120 डिग्री. सो इसका मतलब ये कि हमारे पास कोई भी 3 वेक्टर हो और दो कंसेक्यूटिव वेक्टर के दरमियान एंगल 120 डिग्री हो तो उसका जो रिजल्ट बनता है वो क्लोज पाथ बनता है. मींस दिस इज वेक्टर ए लेट सपोज एंड दिस इज कंसेक्यूटिव वेक्टर बी, मेक एंगल 120 डिग्री, दिस इज वेक्टर सी,
which also make angle 120 degrees to B, and finally this vector C approach to the starting point, means the resultant vector will be equal to 0. तो इस तरह हमारे पास के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं. हमारे पास 2 पाई ओवर n वेक्टर हो, या 2 पाई ओवर 5 वेक्टर हो, या 2 पाई ओवर 6 वेक्टर हो, या 2 पाई ओवर 10 वेक्टर हो, और हर दो वेक्टर के दरमियान एंगल सेम हो, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो जीरो बनेगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये एक क्लोज पॉलीगॉन शेप को कंस्ट्रक्ट करता है. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2.12. गिवन टू वेक्टर ए इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k एंड बी इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 6k. द एंगल मेड बाय ए प्लस बी विद एक्स एक्सिस विल बी व्हाट. हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी. अगर इस दोनों को हम ऐड करें, तो दोनों को ऐड करें, सो वी हैव 10 3i प्लस 3k. अब कहता है कि जो वेक्टर है ए प्लस बी इक्वल टू 3i प्लस 3k, ये एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है. तो जाहिर बात है एक्सिस के साथ एंगल मालूम करने के लिए हम यूज़ करेंगे अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स बाय ए. तो इधर हमारे पास ए प्लस बी क्या है, इसका जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास 3i है. सो ए प्लस बी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू 3. और इस ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है इसका, इसको हम आसानी से आर नाम दे दे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 18. सो अल्फा इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइड बाय रिजल्टेंट वेक्टर. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 3 एंड द रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 18 अंडर द रूट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉस इनवर्स 3 ओवर 3 अंडर द रूट 2 आर सिंपली ऑलमोस्ट इक्वल टू 45 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट ए इज इक्वल टू व्हाट. याद रखिए हमारे पास इसको कहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको हमने क्विक रिव्यू में पढ़ा भी है. अगर हमारे पास कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो और उसमें दो वेक्टर एक जैसे हो, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें, उसका रिजल्ट जीरो आएगा ही आएगा. और हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें या इसको प्रूव करें, तो यहाँ से स्टार्ट करें, तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें, सो वी ऑब्टेन 0. MCQ number 2.14. A vector I minus 3j plus 5k and I minus 3j minus ak are equal vector. Then the value of A will be what? हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है हमारे पास I minus 3j plus 5k और एक वेक्टर है I minus 3j plus ak. Correct? अब कहता है कि दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन ये है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, या इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट और इसका जेड कंपोनेंट हमेशा के लिए एक जैसा ही रहेगा. अगर यहाँ देखिए, हमारे पास प्लस आई है और ये भी प्लस आई है, तो इक्वल वेक्टर की कंडीशन को ओबे करता है. ये माइनस 3j है और ये भी माइनस 3j है, तो इक्वल वेक्टर की जो कंडीशन है उसको ओबे करता है. लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5k है और यहाँ पर हमारे पास है माइनस ak. अब अगर a की जगह हम माइनस 5 को पुट करें, सो वी हैव 10 5k. सो देन टू वेक्टर विल बिकम्स इक्वल. करेक्ट. सो दिस इज माइनस b. सो दिस वेक्टर i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू i माइनस 3j माइनस ak आर इक्वल वेक्टर ओनली इफ a इक्वल टू माइनस 4. क्वेश्चन 2.15. द वैल्यू ऑफ लेमडा पर विच टू वेक्टर a इक्वल टू 5i प्लस लेमडा j प्लस k एंड b इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k आर परपेंडिकुलर टू व्हाट. याद रखिए हमारे पास कोई भी इस तरह किस्म का टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो और उसमें एक टर्म हो अननोन, जिस तरह यहाँ पर, और इसको आप लोगों ने मालूम करना है, तो याद रखिए इस पर हमेशा के लिए आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट वाला इक्वेशन को इस्तेमाल करना है. हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, उसके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो या परपेंडिकुलर हो, तो उसका ए डॉट बी जीरो के बराबर होता है. तो यहाँ पर ए की वैल्यू को पुट करें ये वाला, बी की वैल्यू को पुट करें ये वाला, इसको डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें, 5i इंटू 5 लेमडा जे माइनस 2j इक्वल टू माइनस 2 लेमडा प्लस 1k प्लस 1k इक्वल टू 1. इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन लेमडा इक्वल टू 3. सो इसका मतलब ये, अगर हम इस यहाँ पर लेमडा की वैल्यू 3 पुट करें, तो ये जो वेक्टर पेयर है, ये वाला वेक्टर बी और ये वाला वेक्टर ए, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे.